दुपट्टे से हम एक सुंदर सा ड्रेस बनाएंगे, तो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे दुपट्टे को 4 फोल्ड्स करके रख लिया है। पहले हम इसके अपर पार्ट की मेज़रमेंट करेंगे, जिसके लिए जो मैं इसकी लंबाई लेने वाली हूँ वो मैं 15 सेंटीमीटर लेने वाली हूँ, और जो इसकी मैंने चौड़ाई रखी है वो मैंने 10 सेंटीमीटर रखी है। मेजरमेंट्स मार्क करने के बाद अब हम इसे यहाँ से कट कर लेंगे। मैंने पहले ही यहाँ पे निशान लगा दिया है। अब हम इसकी नेक मार्किंग और आर्म होल मार्किंग करेंगे। क्योंकि मैं इसका हॉल्टर नेक रखने वाली हूँ गला, तो इसलिए सिर्फ 2 इंचेस पे हम निशान लगाएंगे, और उसके बाद हम आर्म होल के लिए 6 इंचेस पर निशान लगाएंगे कुछ इस तरह से, और लगाने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। मैंने इसे कट कर लिया है। अब हम इसे अपर पार्ट को ओपन करेंगे, और ये देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसी तरीके से मैंने इसका अस्तर भी कट कर लिया है, और इसका अस्तर कट करने के बाद आगे पीछे हम इसे साइड से सिर्फ सिलाई लगा के जोड़ देंगे, और गले के हिस्से पे हम मोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे ताकि हम उसमें डोरी डाल सकें। नीचे के हिस्से के लिए मैंने बचे हुए कपड़े को यहाँ डबल फोल्ड करके रख लिया है। आगे का हिस्सा हम थोड़ा ऊंचा रखने वाले हैं हाई लो के लिए, और पीछे का हिस्सा हम नीचा रखने वाले हैं कुछ इस तरह से। उसके बाद हम यहाँ पे इसे इस 2 पीसेस में कट कर लेंगे। कट करने के बाद मैंने यहाँ पे दोनों पीसेस डबल फोल्ड करके रख लिए हैं कुछ इस तरीके से। इसके बाद इसे अपर पार्ट से जॉइन करने के लिए हम इसमें हल्का सा सर्कुलर कट देंगे, जिसके लिए मैंने इसके एक कॉर्नर पर जहाँ पे हमने फोल्ड किया है 2 इंचेस पर निशान लगाया है, और दूसरे कॉर्नर पर सर्कुलर वे में उसे जॉइन कर दिया है कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये कुछ इस तरह से गोलाई में आ जाएगा। इसके बाद हम इसे अपर पार्ट से जोड़ देंगे सिलाई करके। आप इसे सिंपली प्लेट दे के भी जोड़ सकते हैं, या इसमें आप इलास्टिक भी दे सकते हैं। इलास्टिक लगाने के बाद ये और ज़्यादा प्यारा लगेगा, तो आप जैसे चाहें वैसे इसे इसमें सिलाई लगा दें और इसे जोड़ लें इससे। मैंने यहाँ ये सिलाई लगा दी है, और देखिए मैंने इसे जोड़ लिया है यहाँ पे। इसी तरीके से हम पीछे के हिस्से को भी जोड़ लेंगे। इसके बाद दोनों हिस्से को उल्टा रख के हम आर्म होल से उन पर सिलाई लगा देंगे साइड से। साइड से सिलाई लगाने के बाद हमारा ड्रेस ऑलमोस्ट रेडी है। मैंने यहाँ इसे साइड से जॉइन भी कर दिया है, आप देख सकते हैं, और ये बहुत प्यारा लग रहा है। ये आगे से हमारा हाई लो पैटर्न भी बन गया है। साइड से सिलाई लगाने के बाद हमें बस इसमें डोरियां लगानी हैं। आप चाहें तो बचे हुए कपड़े से भी डोरी सिल के इसमें लगा सकते हैं, या फिर आप अलग से भी इसमें डोरी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे अलग से डोरी लगाई है, और ये जो लटकन आप देख रहे हैं ये मैंने दुपट्टे से ही बचे हुए जो लटकन थे वही मैंने इसमें अटैच किए हैं, एंड ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। और इसके बाद हमारा ड्रेस बिल्कुल रेडी है। आप इसे 1 पीस की तरह भी पहन सकते हैं, इसके अलावा आप इसे सूट की तरह भी पहन सकते हैं। आप किसी भी दुपट्टे या फिर लेगिंग के साथ इसे मैच करके पहन सकते हैं, ये बहुत प्यारा लगेगा। इसके अलावा आप इसे पार्टीज़ में भी पहन सकते हैं। और ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।